तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द केस ऑफ, ये पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बोला था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जो है एविडेंस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ये मान के चलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो आप समझ सकते हैं। ठीक, बात को समझ रहे हैं मेरी? तो इन केस, इस केस का नाम बिल्कुल याद कर लीजिए, कभी भी काम आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो और इन्हें क्या कहते हैं हम लीगल लैंग्वेज में, हम कहते हैं लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट अगर आपसे पूछा जाए किस बात पे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस रिकॉर्ड करने की बात पे, तो आप क्या कहेंगे कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था। क्या कहा था? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस प्रफुल्ल बी देसाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ ही क्या कर सकते हैं, एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए देखिए, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो दूसरा केस है आपका परमजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तीसरा है पप्पू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और चौथा है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ठीक है, इन तीन केस को हम क्या करेंगे, हम घर पे जाके, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये? आपका होमवर्क है, घर पे जाइए, गूगल करिए इन तीनों केसेस को, और गूगल करके निकालिए कि इन तीनों केस में क्या कहा गया था। ठीक है, जरा सा जिस्ट निकालिए, पूरा केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब लिखते हैं ना तो सुप्रीम कोर्ट 250 से 300, ठीक है, 250 to 300 पेजेस का जजमेंट लिख देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट अगर आप पढ़ने बैठ गए, ये चार जजमेंट भी, तो क्लैट निकल जाएगा, लेकिन आप जजमेंट खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा गूगल करके क्या देखना है हमें, इनका एक जिस्ट देखना है। ठीक है, इनका सिर्फ जो कंस्ट्रक्टिव पार्ट है ना वो देखना है। क्या देखना है हमें? सिर्फ कंस्ट्रक्टिव पार्ट देखना है। हमने पहले भी पढ़ रखा है कि हमें क्या देखना है, रेशियो डिसेंडाए देखना है। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ कंस्ट्रक्टिव पार्ट देखना है और हमें उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो ठीक, बात समझ में आ गई, होमवर्क मिल गया है, ये तीनों केस को बिल्कुल समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, कि इनमें क्या लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और देख लेते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है। तो व्हेन द मास्टर इज हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट, द लायबिलिटी इज कॉल्ड रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। ठीक है, द लाइबिलिटी इज कॉल्ड। ठीक, चलिए ठीक है, यहां तक है क्वेश्चन कि व्हेन द मास्टर इज हेल्ड लाइबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट द लाइबिलिटी इज कॉल्ड। जब किसी मास्टर को अपने, देखिए हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं कि एक मास्टर जो है, ठीक है, वो रॉन्गफुल एक्ट के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए, रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल होता है। अब वो रॉन्गफुल एक्ट किसके होते हैं, जल्दी से बताइए, वो रॉन्गफुल एक्ट होते हैं उसके सर्वेंट के, है ना। लायबल कौन होता है? मास्टर। ठीक है, मास्टर रॉन्गफुल एक्ट, सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल माना जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई यहां तक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इस पूरे कंसेप्ट को जब हमने पढ़ा था टॉर्ट्स के, जब हम बारे में बात कर रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वाइकेरियस लाइबिलिटी, है ना। क्या कहा जाता है? वाइकेरियस लाइबिलिटी। ठीक, टॉर्चियस लाइबिलिटी किसे कहा जाता है, जो किसी टॉर्ट से अराइज होती है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि कोई जो हार्मफुल चीज को आप अपने प्रेमाइस में रखते हैं और वो लीक कर जाती है, वो, ठीक है, आपके प्रेमाइस से बाहर निकल जाती है, उसके कारण किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी कहलाती है। तो इस लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इस लाइबिलिटी को हम कहते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द एक्ट ऑफ अनलॉफुली एंटरिंग इनटू अनदर प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूट। ठीक है, किसी इंसान की प्रॉपर्टी में, देखिए है ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है आपको तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आप अपने
मन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा, अगर आंसर सही आए तो मुझे बता दीजिएगा। ये बी का घर है, ये ए का घर है, ठीक बराबर के हैं, वो जगह नहीं है इसलिए छोटा लग रहा है। ये मत सोचिएगा कि सर ने बी का घर छोटा बनवाया, ठीक है बी, ठीक। ठीक है बी यहां से आ रहा था, आया आया, ठीक। अब बी ने देखा कि मैं यहां से जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, यहां जाऊंगा, ठीक। ये है 150 मीटर्स, 150 मीटर्स। तो बी ने सोचा कि भाई ए के घर में बाउंड्री वॉल तो है नहीं, मैं यहां जाता हूं, यहां जाता हूं, यहां जाता हूं, यहां जाता हूं, और इधर साइड वाले दरवाजे से घर में घुस जाऊंगा। ये कितना है 70 मीटर, तो मैं आधे रास्ते में ही पहुंच जाऊंगा। तो बी ने शॉर्टकट लेने के लिए क्या किया, बी ने ए की प्रॉपर्टी में से होता हुआ निकल गया। ये बी ने क्या कमिट किया जल्दी से बताइए। इसके लिए हम घर के बाहर एक बोर्ड भी लगाते हैं जिस पे हम क्या लिखते हैं कि भाई ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड, है ना, या फिर हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लिखते हैं कि ऐसे बोर्ड देखे हैं अपने लोगों के घर पे लगे हुए जिन पे लिखा रहता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, देखा है कि नहीं देखा है आपने, यहां पे लिखा रहता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। बात को समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड यहां पे लिखा रहता है, ठीक है। तो किसी की भी प्रॉपर्टी में बिना उसकी परमिशन के, बिना उसके बुलाए घुसना क्या होता है, ट्रेसपास होता है, ठीक। समझ गए बात को, देखिए मैं ऐसे आपको ड्रॉ कर करके चीजों को समझा समझा के समझा देता हूँ कि ये कंसेप्ट आप भूले ना, ठीक है। ठीक, थोड़ी सी मेरी ड्राइंग खराब है तो हंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन चीजों को समझने की जरूरत है। अगर जहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो मैं ऐसी खराब ड्राइंग कितनी भी बार आपके लिए बना सकता हूँ, ठीक है। तो बस जो चीज हम चाहते हैं वो इतनी सी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th, विच पार्लियामेंट्री कमिटी इन इंडियन सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी इज चेयर्ड बाय अ मेंबर ऑफ अपोजिशन पार्टी, ठीक है। ऐसी कौन सी पार्लियामेंट्री कमिटी है इंडियन सिस्टम में डेमोक्रेसी के, जो कि कौन चेयर करता है, जो कि आपका ऑपोजिशन पार्टी का एक आदमी चेयर करता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप एक चीज याद रख लीजिए, पीएसी पैक। आपने बचपन में एक गेम खेला होगा पैकमैन, ठीक। उसमें क्या होता था, उसमें ना ऐसा एक ऐसा कुछ आदमी सर ऐसा कुछ एक कीड़ा सा इंसेक्ट सा रहता था और उसके मुंह के सामने जो भी आता था उसे वो खाता चला जाता था, ठीक है। तो ये जो पैकमैन है ना, ये पैकमैन का आप ये मान लीजिए कि ये पैकमैन हमेशा अपोजिशन पार्टी का ही आदमी रहेगा, ठीक है। अपोजिशन पार्टी का ही मेंबर है पैकमैन, ये हमारी पार्टी का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी पार्टी के तो सब लोग जितने भी इसके रास्ते में आते हैं ये उन्हें खा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो पीएसी पैक से हमारा क्या मतलब है कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का जो चेयरमैन रहता है वो कौन रहता है, वो ऑपोजिशन का मेंबर होता है, ठीक है। ऑपोजिशन का मेंबर कौन क्या बनता है, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी का चेयरमैन बनता है आपका ऑपोजिशन का मेंबर। क्लियर है बात यहां तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, दैट प्रीएम्बल इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड, ठीक है, इज इन द केस ऑफ, ठीक। ये केस भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अमेंडमेंट जब हमने पढ़ा था, ठीक है, अमेंडमेंट पे एक पूरा हमने क्या पढ़ा था, अमेंडमेंट पे एक पूरा हमने एक केस का चार्ट पढ़ा था, ठीक है ना, क्या पढ़ा था, केस चार्ट पढ़ा था, किस पे, अमेंडमेंट पे। तो उसमें हमने ये चीज देखी थी कि क्या क्या देखा था कि भाई किस केस में बेसिक स्ट्रक्चर प्रीएम्बल को बताया है, किसमें नहीं बताया है,
किसमें उसे अमेंडेबल बताया है, किसमें नहीं बताया है ना। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी हमने, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि एक स्वामी जी थे, उन स्वामी जी का नाम क्या था, उन स्वामी जी का नाम था केशवानंदा भारती, केशवानंदा भारती। और केशवानंदा भारती जी ने क्या करवाया था, केशवानंदा भारती जी ने जो स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट केस किया था उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि जो प्रीएम्बल है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और वो अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक। और आज तक एक ही बार आपका प्रीएम्बल अमेंड हुआ है, ठीक। तो केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला में ये चीज़ कही गई थी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलिए आई होप नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इन द ईयर 2002 द कॉम्पिटिशन एक्ट वॉज इनेक्टेड रिप्लेसिंग, ठीक है, ईयर 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट आया था, वो कॉम्पिटिशन एक्ट किसको रिप्लेस करते हुए आया था, ठीक है। ये चीज़ हमें बतानी है कि वो कॉम्पिटिशन एक्ट जब आया था तो वो किसको रिप्लेस करते हुए आया था। चारों एक्ट के आप नाम पढ़ेंगे एक बार और चारों एक्ट के नाम पढ़ के मुझे बताइए कि आपको अगर समझ में आ रहा है कि इसमें से कौन सा एक्ट जो है वो रिपील हुआ होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो देखिए ये जो है आपका ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अभी तक हटा नहीं है, हम पढ़ रहे हैं सिलेबस में, तो ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब बात बचती है ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और एमआरटीपी। एमआरटीपी का मतलब क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, ठीक है। एमआरटीपी का मतलब क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक। चलिए तो इसे हटा करके कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया था, क्यों, क्योंकि कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो भी बात किसकी करता है, वो भी बात इन्हीं चीजों की करता है। कॉम्पिटिशन एक्ट भी आपका बात मोनोपोलिस्टिक और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस की ही करता है, वो भी ये चाहता है कि जो है हमारे बाजार से, हमारे मार्केट से, ठीक है, कॉम्पिटिशन खत्म ना हो, कॉम्पिटिशन जैसा है वैसा बना रहे, ठीक है। तो 2002 में जब ये एक्ट लाया गया तो किस एक्ट को रिप्लेस करते हुए लाया गया, एमआरटीपी एक्ट को रिप्लेस करते हुए लाया गया, ठीक है। अब बात हो रही है कि राइट टू रिकवर टाइम बार्ड डेप्ट इज अ, ठीक है, कि भाई टाइम बार डेप्ट जो होता है उसको रिकवर करने का जो राइट है वो कैसा राइट है, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल है कि परफेक्ट है, कि वो इम्परफेक्ट है, कि वो फंडामेंटल राइट है। तो जब हम बात करते हैं, एक चीज़ बताइए मुझे कि जब, देखिए अभी इससे पहले भी एक कोई क्वेश्चन आया था तो उसमें मैंने आपसे यही चीज़ बोली थी कि जब हम फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट पढ़ते हैं और फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट हम देखते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या बात करते हैं, फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट में मैंने आपको सारे फंडामेंटल राइट्स चार चार पांच पांच बार पढ़ा रखे हैं। तो क्या ऐसा कोई राइट टू रिकवर टाइम बार डेप्ट मैंने आपको आज तक फंडामेंटल राइट के कंसेप्ट में पढ़ाया है, या आपने भी कभी रिवीजन किया हो तो ऐसा कोई राइट कभी आपके सामने आया है क्या, बिल्कुल नहीं आया। तो फंडामेंटल राइट को एलिमिनेट कर दीजिए। अब बात आती है यूनिवर्सल राइट, परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट। तो देखिए यूनिवर्सल राइट तो वो होता है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आपके पास हो, तो मेरे ख्याल से तो यूनिवर्सल राइट भी ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि डेप्ट अगर आपने इंडिया में दिया है तो जाकर के पाकिस्तान में तो मांगेंगे नहीं। चलिए तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट की बात करते हैं। तो देखिए जो टाइम बार्ड डेप्ट होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि एक टाइम के बाद आप उसे नहीं मांग सकते, तो वो परफेक्ट कैसे होगा, वो हमेशा इम्परफेक्ट ही होगा। तो टाइम बार्ड डेप्ट कैसा राइट होता है, उसे रिकवर करने का राइट एक इम्परफेक्ट राइट होता है, ठीक। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है, चीज़ों को समझना है अच्छे से, बिल्कुल भी घबराना नहीं है हमें, ठीक है। चलिए और देखिए ये जो जिनीवा कन्वेंशन और एमआरटीपी एक्ट, ठीक, ये सारी चीज़ें जो आपसे पूछी जा रही है इनको देख के घबराइए मत, ये बहुत पुराना क्वेश्चन पेपर है, उस टाइम पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पेपर आया करते थे। हम सिर्फ इन्हें इस
जो इंटेंशन के साथ कवर कर रहे हैं कि कभी भूला बिसरा इनमें से इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो हमारे पास उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हम ऐसे ना हो जाएं कि हम ब्लैंक बैठे हैं, ठीक है। तो हम कुल मिला के ये चाहते हैं कि अगर लोग 100% मेहनत करके जाते हैं तो हम कितनी करके जाएं, हम 200% करके जाएं। तो अब आप बोलेंगे कि सर हम भी तो हमारी तरफ से 100% ही दे सकते हैं, 200% कैसे दे सकते हैं। तो देखिए कि अगर ये 2 घंटे पढ़ता है तो हमें कितना पढ़ना है, हमें 4 घंटे पढ़ना है, ठीक है। तो इसके 100% को हमारा 200, इसके 100% से हमें डबल करना है, तो वो हमारे लिए तो कितना होगा, हमारे लिए तो वो चीज़ 100% ही होगी, है ना, लेकिन इसके कंपैरिजन में वो कितनी हो जाएगी, 200% हो जाएगी। और मैं गारंटी लेता हूँ कि 100% वाले की जगह 200% वाले को ही सफलता मिलने वाली है और किसी को सफलता उसमें नहीं मिलने वाली है, ठीक। चलिए तो अब बात हो रही है कि लॉ रिलेटिंग टू प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैज कोडिफाइड बाय, ठीक है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो होते हैं, ठीक, ये पूछ रहा है कि भाई प्रिजनर्स ऑफ वॉर से रिलेटेड जो लॉ बना था वो किस में आया था। तो याद रखिएगा कि सबसे ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है, ये किस में आया था, ये आया था आपके जिनीवा कन्वेंशन में। कौन से कन्वेंशन में आया था, ये आया था आपके जिनीवा कन्वेंशन में, ठीक। बात क्लियर है यहाँ पे, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक हॉलीडे कहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक, पब्लिक हॉलीडे कहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक। चलिए तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से बताइए कि पब्लिक हॉलीडे कहाँ डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक, थोड़ा बहुत आप भी सॉल्व करिए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, माने कि सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या बताता है, सीआरपीसी बताता है आपका प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल केसेस, किसकी प्रोसीजर बताता है, क्रिमिनल केसेस की, ठीक। सिविल प्रोसीजर कोड आपका क्या बताता है, प्रोसीजर ऑफ सिविल केसेस, ठीक, है ना। तो पब्लिक हॉलीडे के बारे में ये दोनों चीजें तो कोई भी बात नहीं करती। अब बच रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पब्लिक हॉलीडे के बारे में तो कोई बात नहीं करता। किस बारे में बात नहीं करता, पब्लिक हॉलीडे के बारे में कोई बात नहीं करता। हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट बताता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताता है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है, प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में बताता है, ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में बताता है, ठीक है, पूरी पार्लियामेंट उसमें कैसे फाइनेंशियल बिल आते हैं, कैसे मनी बिल आते हैं, कैसे ऑर्डिनरी बिल आते हैं, कैसे बजट आता है, ये सारी चीजें बताता है, ठीक है, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर बताता है, सिटीजनशिप के बारे में बताता है, स्टेट के बारे में बताता है, स्टेट क्या होती है ये बताता है, लॉ क्या होता है ये बताता है, है ना, और क्या बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, उसके कौन से जज होंगे, कितने जज होंगे, चीफ जस्टिस के अलावा रिटायर्ड जज जो होंगे वो कैसे होंगे, रिटायर्ड जज को कब वापस से काम करने के लिए बुलाया जा सकता है, टेम्प्रेरी जजेस क्या होंगे, ठीक है, उनकी पावर्स क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट का रिट जुरिसडिक्शन क्या होगा, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जुरिसडिक्शन क्या होंगे, बाकी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट होंगे तो वो कैसे होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। फिर आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया जाता है, ठीक है, उसमें कैसे बिल्स पास होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में, ठीक, फिर हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के सेम वही पावर्स क्या होंगे, जजेस क्या होंगे, उसके बाद बताया जाता है आपके किसके बारे में, उसके बाद आपकी लोअर जुडिशरी के बारे में बताया जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब इन लोगों के बारे में, फिर यूपीएससी डिस्कस किया गया है, पंचायत डिस्कस किया गया है, ठीक है, आपकी नगर पालिकाएं डिस्कस की गई हैं, ठीक है, और
ठीक, बात को समझ रहे हैं बेसिकली। तो मैंने आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, उसमें शेड्यूल्स बताए गए हैं, लैंग्वेजेस बताई गई हैं, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई है इंडिया की। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके की यूनियन, ठीक है, एससी एसटी के जो बारे में डिस्कस किया गया है, ओबीसी के बारे में डिस्कस किया गया है, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर डिस्कस की गई हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिस्कस की गई है। तो कुल मिला के हमारा इसका जिस्ट क्या निकलता है, जिस्ट ये निकलता है कि पब्लिक हॉलीडे के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया है, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया है। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहाँ, तो जो पब्लिक हॉलीडे है ये कहाँ पे बताए गए हैं, पब्लिक हॉलीडे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में बताए गए हैं, ठीक है। पब्लिक हॉलीडे हमारे नेशनल हॉलीडे कितने होते हैं, दो तीन ही होते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, एक गांधी जयंती यानी कि 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर, ठीक। तो तीन हमारे पब्लिक हॉलीडे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 के इंस्ट्रक्शन के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, व्हेन अ पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग क्रिमिनल ऑफेंस द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन, ठीक है। चलिए तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसमें कुल टोटल 50 क्वेश्चन हैं, ठीक, 50 आई गेस 45 क्वेश्चन हैं। 45 क्वेश्चन ये हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम अगले क्वेश्चन पेपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम थ्योरी के लेक्चर्स भी करते जा रहे हैं, तो सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, किसी में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो आप बेझिझक हमें अप्रोच कर सकते हैं।